وسلاما عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا جمال ملك الله. मेरे तमाम हज़रात करामी कदर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मजीद की तिलावत नात शरीफ अब तक होती रही, अल्लाह ताला अपने बारगाह में कबूल फरमाए। जनाब मुशर्रफ अली हमीदा के इस मकान में रज़ा के मौके पे मौलूद शरीफ के महफिल जो मुनअक़िद किया गया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तकरीब का वक्त नहीं है, नात शरीफ हो गई, तिलावत हुई और बरकत नाजिल हो चुकी है इंशाअल्लाह। असल जो मकसद कल जो निकाह का है, तो कल निकाह होगा, बारात आएगी, निकाह होगा, उसके बाद अतवार के दावत वलीमा होगी। तो ये दो ख़ानदान हैं और घर वाले हैं, इसीलिए पर्दा के साथ किया गया था कि वहाँ दावत जगह करे, यहाँ करे, इसमें अलग अलग और इसमें, ताकि वहाँ भी अल्लाह का जिक्र हो, यहाँ भी जिक्र हो। दोनों सब मदीना शरीफ जा रहे हैं, अल्लाह सबको कामयाबी और कमरानी अता फरमाए। दूर शरीफ अली अल्लाह रत जगह दर हकीकत इसमें क्या चीज़ है, अल्लाह की याद है, कुरान मजीद की तिलावत है। रज़ा क्या है, निकाह का प्रोग्राम कुरान से तिलावत से शुरू हुआ, ना के रसूल से शुरू हुआ, ना के महबूब से शुरू हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत के नजराना पेश कर रहे थे हजरत मौलाना फरीद साहब और हजरत मौलाना अहमद मुख्तार सलाहुद्दीन साहब, हमारे हाजी रहीम साहब, ये जनाब सब पेश कर रहे थे, आप भी साथ दे रहे थे। ये बरकते रहे थे, जहाँ नात शरीफ होती है वहाँ अल्लाह के फरिश्ते उतरते हैं, जहाँ कुरान तिलावत किया जाता है अल्लाह के सकीना फरिश्ते वहाँ उतरते हैं। हमारे बगल में वहाँ भी तिलावत हुई, हमारे घर पर ये भी हमारा घर, यहाँ भी तिलावत हुई, वहाँ भी फरिश्ते उतरे, यहाँ भी फरिश्ते उतरे, वहाँ भी सकीना उतरे, यहाँ भी सकीना उतरे, वहाँ भी रहमत उतरी, यहाँ भी रहमत उतरी, सब एक है रसूलुल्लाह के बारगाह में जा रहे हैं। कोई लाल कपड़ा पहने, कोई पीला कपड़ा पहने, कोई पगड़ी पहने, कोई टोपी पहने, मगर सबका मकसद एक है। मौलू शरीफ के महफिल नात शरीफ सुनकर, चूंकि मैं मुझे बीच में बैठाया सबने, क्यों आपने बीच में बैठाया, समझदारी से बीच में बैठाया, इसे वहाँ भी हमारे शागिर्द है, यहाँ भी हमारे शागिर्द है, वहाँ भी हमारे पढ़ाए हुए हैं, यहाँ भी हमारे पढ़ाए हुए, तो सब बीच वाले के रोशनी वहाँ भी फैल रही है, यहाँ भी फैल रही है। हमने इनको भी नाच सिखाया, उनको भी नाच सिखाया, इनको भी कुरान सिखाया, उनको भी कुरान सिखाया, इनको भी हदीस पढ़ाई, उनको भी हदीस पढ़ाई, इनको भी फिका पढ़ाया, उनको भी फिका पढ़ाया, इनको भी अदब सिखाया, उनको भी अदब सिखाया, इनको भी मदीनी सिखाया, उनको मदीनी सिखाया, नो मारो सबके दीन इस्लाम की रोशनी फैलाने में रात दिन हम लगे हुए। तो जहाँ भी दीन के काम होगा हमारे पीर मुर्शिद के रूह खुश हो जाएगी, हमारे वालिद बुजुर्ग के कब्र में रोशनी फैलेगी, और जिन्होंने जामिया को मदरसा को हमेशा चंदा दिया उनको भी अल्लाह ताला सवाब देगा, अजर देगा, नेमत देगी, बरकत देगी, और अल्लाह के नेमत और बरकत उनको घेर लेगी। कल इंशाअल्लाह हमारे भाई की बेटी, हमारी बेटी है शरीरा खातून, जो जामिया की बहुत बड़ी मददगार, उनके वालदा भी इंशाअल्लाह उनका निकाह होगा, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है, उसको अदा किए जाएंगे बड़े धूमधाम के साथ। निकाह पढ़ाने के फरीजा ये काम मुझे ही भाई ने सपोर्ट किया है, और क्यों उन्होंने सपोर्ट किया, ठीक है, हिजाब कबूल होगा, खुतबा कल भी पढ़ेंगे, कल इंशाअल्लाह मैं नई दलान सुबह और सुनामी और उर्दू में तकरीर करेंगे इंशाअल्लाह। मुख्तसर बात यह है कि निकाह के महफिल में बरकत होती है। निकाह के माना है ऐन है, निकाह का माना है इत्तेहाब, निकाह का माना इत्तेफाक, निकाह अरबी में मिलने को कहते हैं। एक लड़का लड़की निकाह के साथ मिल गए, दो खानदान निकाह के साथ मिल गए, दो फैमिली निकाह साथ मिल गए, निकाह ये इत्तेहाब की दावत देता है।
निकाह एनहेत के दावत देता है, निकाह मिलन के दावत देता है, निकाह इत्तफाक के दावत देता है। तो कल है महफिले निकाह यानी एनहेत की दावत है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनको अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे, खुर्रम रखे। भला बताइए जब अल्लाह के रसूल के दुआ किसको मिलना चाहे, जब हुजूर ने फरमाया कि जो अल्लाह ताला उनको खुश रखे, उनको खुर्रम रखे, उनको हिफाजत करे, उनको बशारत करे, उन्हें इज्जत दे, उन्हें शोहरत दे, उन्हें अल्लाह के नेमत से नवाजे, उनको अल्लाह ताला नेमत नवाजे, उनको खुश खुर्रम रखे, उनको बशारत करे, उनको इज्जत दे, उनको आला मकाम अता फरमाए, वो आदमी कौन होगा? किंतु रसूलुल्लाह की दुआ मिल रही है, दोनों जहां का आका की दुआ मिल रही है, नबियों के सरदार की दुआ मिल रही है, नबी मुख्तार की दुआ मिल रही है, मदीने के आका की दुआ मिल रही है, मदीना के लाल रसूलुल्लाह के प्यारे अल्फाज जिनको मिल रही है, दुआ मिल रही है, वह दुआ किसको मिल रही है? आज अगर कोई पीर कह दे, कोई मुझसे कह दे कि जंगल में पीर है वो दुआ दे रहे, तो हम दौड़ के जाएंगे। कोई कहे कि बुजुर्ग वहां पे वो दुआ दे रहे, तो हम दुआ दौड़ के जाएंगे। इसे दुआ हमें सबके हासिल करना, यहाँ रसूलुल्लाह की दुआ मिल रही है, एक ऐसा अमल है अगर वो हम कर दे तो रसूलुल्लाह की दुआ हमें आपको मिल जाएगी। वो कौन सा अमल है? हुजूर ने फरमाया जो मुसलमान को मिलाएंगे उनको मेरी दुआ मिलेगी। नारे तकबीर अल्लाह अकबर या रसूलुल्लाह। दो भाई और खानदान को जो मिलाएंगे, जो कोशिश करेंगे उनको रसूलुल्लाह दुआ मिलेगी, बरकत मिलेगी। और जो इनको रुकावट करेंगे उन पर लानत बरसेगी, बरसेगी मुसीबत, लानत उस पर बरसेगी जो इसको फाड़ना चाहेगी। जो मिलाएंगे मुसलमान को उनको दुआ मिल रही है, खानदान में दुआ मिल रही है, और जो इसको फाड़ेंगे उसको बदुआ मिल रही है और लानत मिल रही है। तो हमें आपको किस जमात में जाना है जिसमें रसूलुल्लाह की दुआ मिल रही है कि नहीं? समझदार आदमी उसमें रहेगा जो दुआ मिल रही है। और कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया अगर दो खानदान अलग हो जाए, दो फैमिली अलग हो जाए, दो भाई अलग हो जाए तो उनको मिलाओ, जो उनको नहीं मिलेगा उनका गैटैक्ट कर दो, जो उनसे नहीं मिलना चाहता है उसको अपने से दूर कर दो, लात मार दो, अलग कर दो। जो मिलना नहीं चाहता, जो कुरान की बात नहीं मानता, अगर किसी खानदान को किसी को मिलाने की हमने कोशिश की, एक ने कहा मैं नहीं मिलूंगा, ये बात नहीं करूंगा, मैं साथ नहीं दूंगा, तो कुरान जिसपे निकाह का बयान है वो कुरान कहता है उसको धुतकार दो, वो कुरान के खिलाफ। सिर्फ इस्लाम है, इस्लाम में आओ, बेटी के निकाह पढ़ाओ, खानदान एक मिलाओ। इसलिए इस्लाम है तो सब कुछ है, इस्लाम नहीं तो कुछ नहीं है। इंशाअल्लाह कल निकाह के बाद मैं आपसे नई डांस में उर्दू में सुनना भी ताल में तकरीर करेंगे, भरपूर तकरीर होगी। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, अब खड़े हो जाए सलात व सलाम पर।